क्या आपके जिम में धन की बहुत कमी है या आपके जिम में कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। साथ साथ में आपके जीवन में हमेशा ही व्यापार की ना तो वृद्धि होती है ना तो नौकरी सही ढंग से चलती है, हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। मैं खुशी, आप देख राधे कृष्णा मुस्कान उपाय। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए माँ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि दिन मंगलवार को आ रही है। हम आपको बता दें कि यह दिन विशेष रहने वाला है क्योंकि यह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएगा। साथ साथ में इसी दिन अतिगंड योग के साथ कर्मा योग भी रहने वाला है जो इस दिवस को विशेष बना रहा है। तो आपने इस दिन पर एक उपाय अवश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डालते हैं। आप अपनी समस्या तो एक विशेष उपाय दिन अवश्य कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी उपाय बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिस समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको शीघ्र ही फल मिल सके। देखिए एनिमेशन वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप उपाय को सही ढंग से समझ सके किस प्रकार से करना होता है। तो इस वीडियो को पसंद करने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत है वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार के दिन 2 बेल पत्थर ले लेने हैं। इसके साथ ही आपको 1 लोटा जल ले लेना है। साथ में आपको जरूरत होगी 7 शमी पत्थर की। केवल इन सामग्रियों से आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपने पहुंच जाने शिवालय, वहां पर सबसे पहले आपने यह जो 1 बेल पत्थर लिया है आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। डंडी आपने बाहर की ओर कर देनी है जिस प्रकार से हम दिखा रहे हैं। इसका चिकना भाग शिवलिंग को अर्थात अशोक सुंदरी को छूना चाहिए। उसके बाद आपका जो दूसरी बेल पत्थर होगी आपने शिवलिंग के जो पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है आपने वहां पर समर्पित कर देनी है। इसकी जो पत्ती का भाग होगा आपने शिवलिंग की तरफ कर देना और डंडी का भाग बाहर की तरफ कर देना है जिस प्रकार से वीडियो में दिखा रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो ये 7 शमी के पत्ते हैं आपने धीरे धीरे महादेव पर समर्पित करते जाने। आप चाहो तो इकट्ठे समर्पित कर लो, आप चाहो तो एक एक करके भी समर्पित कर सकते हो। अपने नाम और गोत्र लेकर आपने अपने जीवन की समस्या मंगलेश्वर महादेव से कह देनी है। सभी पत्तियों की डंडी का भाग आपने शोक सुंदरी की तरफ कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल होगा आपने धीरे धीरे अपनी मनोकामना कहते हुए आपने समर्पित कर देना है ठीक इन्हीं शमी के पत्तों के ऊपर। केवल इतना मात्र करने से आपके जीवन में धन संबंधी समस्या से हमेशा का छुटकारा मिल जाएगा। घर में पैसों की बरकत बढ़ने लग जाएगी। साथ साथ में आपके जीवन में व्यापार की वृद्धि तो होगी। यदि आप नौकरी में तरक्की करना चाहते हो तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कॉमेंट सेक्शन में हर हर महादेव श्री श्वाइन मस्तु भी हम लिखना नहीं भूलेगा। इस समय मोटिवेशन मिलता है आपके सुंदर सुंदर वीडियोज बनाने के लिए। श्री श्वाइन मस्तु भी हम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you.